नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक तो बड़ी घोषणा हम आज करना चाहते हैं, जो सीईटी क्वालिफाई या फिर विदाउट सीईटी भर्तियों के बारे में या नई भर्तियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी घोषणा हमारे चैनल पर आज की जा रही है कि अगले वीक से आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसा मिलेगा और अगले संडे उसका पहला वीडियो आने वाला है, जिसे देखकर आप खुश जरूर होने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार से नेगेटिव माहौल अभी हरियाणा में चला हुआ है भर्तियों से रिलेटेड, पढ़ने वाले युवाओं का मन पढ़ाई में लग ही नहीं रहा, तो इसके लिए हमारी टीम ने एक बेहतर प्रयास किया है। अगले वीक से इसकी शुरुआत होने वाली है और ये आपकी पढ़ाई में अच्छी, आपका माइंडसेट रह सके, अच्छी तरीके से आप अपनी तैयारी कर सके, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। उससे रिलेटेड ज्यादा जानकारी आपको अभी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि फिर उस घोषणा का या उस जो सरप्राइज का या फिर उस वीडियो का महत्व नहीं रहेगा, लेकिन इतना जरूर है अगले वीक आपके लिए बड़ी घोषणा होने वाली है। अब बात कर लेते हैं एचएससी की नई भर्ती, सीईटी क्वालिफाई और विदाउट सीईटी भर्ती। यानी कि साथियों, आपको पता है हरियाणा में जब से सीईटी आया है भर्तियों का क्या हाल है और इससे पहले क्या हाल था, अब आगे इसके लिए क्या क्या समाधान हो सकते हैं, क्योंकि भर्तियों की रुकावट के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, कौन क्या प्रयास कर रहा है, सभी को मालूम है। साथियों, हम कॉन्ट्रोवर्सी पैदा नहीं करना चाहते, क्योंकि नेगेटिविटी फैलाने वाले काफी लोग हैं, हम कॉन्ट्रोवर्सी कर व्यूज पाने के लिए वीडियो नहीं बनाते, आपको कैसे पॉजिटिव रखा जा सके ये हमारा एक प्रयास रहता है। लेकिन ये वीडियो बनाना महत्वपूर्ण इसलिए था कि हमारे कई साथी या फिर सभी साथियों के लिए ये फायदेमंद विषय है। सरकार चुनाव के मद्देनजर हर गांव गांव में जा रही है, आपके घर तक अब सरकार आ रही है, तो इससे अच्छा मौका है वो आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा मौका इसलिए साथियों कि आप बाहर किसी प्रोटेस्ट में जाइए या ना जाइए, किसी धरने में जाइए ना जाइए, किसी के पास ज्ञापन देने जाए या ना जाए, लेकिन अगर आपके घर कोई मेहमान आ रहा है या आपके गांव में कोई नेता आ रहा है तो उसे इतनी बात तो कही जा सकती है। सभी साथियों के पास इससे अच्छा मौका नहीं होगा। एक तो हरियाणा पुलिस भर्ती को क्वालिफाई करने की मांग आप रख सकते हैं, अगर आपका योगदान होगा तो हम भी आपके कमेंट या आपका जो भी रुझान होगा साथियों उसी हिसाब से हम मुद्दे उठाएं। एक अकेला यूट्यूबर मुद्दे उठा दे बाकी सब सोते रहें, ऐसे लोग जाते हैं, लेकिन उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। सबसे पहला मुद्दा यह है कि या तो सीईटी को क्वालिफाई करे या फिर बिना सीईटी के हरियाणा सरकार भर्ती करे, या तो सीईटी क्वालिफाई हो या फिर बिना सीईटी भर्ती हो, क्योंकि सीईटी में जो 4 गुना या 10 गुना वाला मामला है, आप ये देखिए राजस्थान में 15 गुना बुलाया जा रहा था, वहां पर क्वालिफाई किया गया है, यानी कि 15 गुना से भी लोग संतुष्ट नहीं है, फिर वही पेज फंसेंगे। आप इससे अच्छा है सीईटी को क्वालिफाई कर दीजिए। जिस तरह से टीचर की भर्ती छोटी नहीं होती, टीचर एक ऐसा पद है जिसे संस्कार पाके या शिक्षा पाके, यानी कि टीचर सारे जगत में उजियारा फैलाता है, यानी कि उजाले की तरफ, अंधकार से उजाले की तरफ लेकर जाता है। इतने बड़े पद को अगर आप एचटेट को क्वालिफाई कर रखा है तो फिर सीईटी को क्वालिफाई क्यों नहीं किया जा सकता। और साथियों, या तो सीईटी क्वालिफाई हो या फिर बिना सीईटी के भर्ती हो, ये तो मांग है। इसके अलावा हरियाणा पुलिस भर्ती को सीईटी क्वालिफाई किया जाए या नहीं किया जाए, इसकी मांग उठाई जा सकती है। पॉसिबल कम लग रहा है, ये बात हम पहले ही कह रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई आ रहा है नेता तो उसके सामने ये बात कहने में क्या परेशानी है आपको, क्योंकि आप वोट तो दोगे, लेकिन वोट से पहले अगर कोई मांग कर ली जाए, और ये तो मांग भी कोई ऐसी नहीं है कि इसमें आप किसी का विरोध कर रहे हैं, आसानी से सीधी भाषा में ये समझा सकते हैं। समझाने के लिए तो आपको पता है, आप कमेंट्स में ज्ञान भेजते रहते हो, तो आपके पास टैलेंट तो भरा हुआ है, लेकिन बोलने की हिम्मत भी रखिएगा, जो भी आता है उसे कहिएगा,
फिलहाल वोटों के चक्कर में सरकार या विपक्ष के लोग आपके समक्ष आए हुए हैं, तो मांग रखने में कोई गलती नहीं होगी। ये तीन मांग, अगर हरियाणा पुलिस वाली भर्ती की मांग आप उठाना चाहते हैं, साथ देना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, उसी हिसाब से आगे ये मांग उठाई जाएगी। बल्कि ये सीईटी क्वालिफाई और विदाउट सीईटी भर्ती वाली आप ये मांग जरूर उठाइएगा, क्योंकि ये गलती तो हो चुकी है, आगे तो इस गलती को ना किया जाए। पहले जो हो चुका है वो हो चुका है, ये तो जो भर्ती अब चल रही है ये तो होगी जैसे होगी, लेकिन आगे की भर्तियों को तो सुधारा जा सकता है। जब साथियों संविधान में अमेंडमेंट किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है, तो सीटी की पॉलिसी ऐसी क्या चीज होगी कि इसमें बदलाव नहीं हो सकता। लेकिन बदलाव के लिए अभी कोई तैयार नहीं है। जो न्यूज आ रही थी कि सीटी को क्वालिफाई किया जा सकता है, उसके बाद दूसरी न्यूज ये आ रही है कि 10 से 15 गुना के ऊपर ही विचार किया जा रहा है। क्वालिफाई करने में दिक्कत क्या आ रही है, कहां क्या समस्या आ रही है, ये तो बताइए। जब एस्टेट को क्वालिफाई रख के आप एग्जाम लेते हैं, उसमें क्या आपको टॉपर कैंडिडेट नहीं मिलते? उसी तरह सीटी को भी क्वालिफाई कर दीजिए। तो ये एक मांग की साथियों, अगर आप इस मांग से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ऐसे ही और भर्तियों से रिलेटेड जानकारी या फिर मुद्दे उठाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो साथी इस मांग से सहमत ना हो वो इस वीडियो को शेयर ना करे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही भर्तियों से रिलेटेड जानकारी के लिए आप चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।